किम के खिलाफ किसने रची सदी की सबसे बड़ी साजिश? उनकी दौलत पर किसकी नजर? कामयाब हुआ ट्रंप का फ्रीज प्लान। अब खाली होगी उनकी तिजोरी। अब बंद होगी मिसाइल की फैक्ट्री। कंगाली पर बौखलाया तानाशाह। किम ने छोड़ी है नई मिसाइल। अब आरंभ होगा महायुद्ध। दुनिया के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। कंगाल किम का प्लान कयामत। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन, जिसके लिए आज की सुबह वो खबर लेकर आई जिस पर शायद उसे भी भरोसा न हो। जी हां, 2006 से यूएन के प्रतिबंधों के साथ जी रहा उत्तर कोरिया एक बार फिर से खुद की सनकी हरकतों और अमेरिका की कोशिश से प्रतिबंधों का शिकार हुआ है। लेकिन इस बार जो प्रतिबंध उस पर लगा है वो सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध कहा जा सकता है। अमेरिका की जीत और उसकी हार हुई है, लेकिन इस प्रतिबंध के बाद उसकी अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट लगी है। तो क्या कंगाल हो जाएगा किम? Obviously he's a pretty smart cookie. किम को नाफरमानी पसंद नहीं और ट्रंप को हिमाकत। At meetings on North Korea, he's acting very, very badly. I will tell you, he's acting very badly. ट्रंप के सुर सख्त होते गए और किम की मिसाइलें आसमान छूती रहीं। ट्रंप और किम के बिगड़े रिश्तों की एक कहानी सीधे संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई और वहां पर ट्रंप का कार्ड काम कर गया। ट्रंप की चाल कामयाब हुई और किम जोंग उन की तिजोरी पर ताला पड़ गया। In favor of the draft resolution contained in document S/2017/769, please raise their hand. जी हाँ, किम को अब तक की सबसे खतरनाक चाबुक की मार पड़ी है। किम जोंग उन के खिलाफ ट्रंप का फ्रीज प्लान काम कर गया है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ सबसे कड़ा प्रतिबंध लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्त आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। UNNC में नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर हुई वोटिंग में 5 स्थायी सदस्यों समेत 15 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से उत्तर कोरिया पर आर्थिक, व्यापारिक और विदेशी निवेश को लेकर प्रतिबंध लगा दिए गए। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर तेल पेट्रोलियम में 30% की कटौती की। टेक्सटाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर कोरिया के 90% निर्यात पर भी प्रतिबंध है। उत्तर कोरिया में प्रवासी श्रमिकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर कोरिया में विदेशी निवेश पर पूरी तरह से रोक भी मंजूर हो गई है। उत्तर कोरिया पर यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध है। इन नए प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी है। उनके सालाना राजस्व को $800 मिलियन यानी 5,120 करोड़ का नुकसान होगा। विदेशी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगने से हर साल $500 मिलियन यानी 3,200 करोड़ का घाटा होने वाला है। दुनिया भर में करीब 93,000 उत्तर कोरियाई लोग काम कर रहे हैं। उनके परमिट पर भी रोक लगाई जाएगी। उत्तर कोरिया का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। निर्यात पर रोक लगने से देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2016 में सिर्फ टेक्सटाइल से उत्तर कोरिया को $752.5 मिलियन यानी 4,816 करोड़ का राजस्व मिला था।
इससे पहले भी उत्तर कोरिया पर कोयला, लोहा और सी फूड के निर्यात पर यूएन रोक लगा चुका है। यूएन के सैंक्शंस को डोनाल्ड ट्रंप की जीत और किम जोंग उन की करारी हार के तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया से युद्ध नहीं चाहता है। We don't take pleasure in further strengthening. हम नॉर्थ कोरिया से युद्ध नहीं चाहते। नॉर्थ कोरिया अगर आने वाले टाइम में अपने परमाणु प्रोग्राम में कटौती करेगा तो हम इन पाबंदियों को कम करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खतरनाक रास्तों पर चलते रहेंगे तो हम इस देश पर दबाव डालने के लिए और भी कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। The world will live in peace with it. आपको बता दें कि साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध के 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, लेकिन यह प्रतिबंध 2006 के सैंक्शन से भी ज्यादा कड़े हैं और उसकी वजह है किम की मिसाइलें। किसी प्रकार से कोई बातचीत बात नहीं बनेगी, क्योंकि जिस माफिक के प्रतिबंध अमेरिका चाहता था उसको काफी कमजोर किया गया। अगर उनको कमजोर नहीं किया जाता तो रशिया और चाइना अमेरिका के साथ में नहीं जुड़ रहे थे, इसलिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन आगे जो उनके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं उनसे सख्त हैं, लेकिन इतने सख्त नहीं है जबकि जिससे उसके घुटने टिक जाए। और चोरी छिपे अगर अभी भी चाइना ने और रशिया ने उसकी मदद की तो मुझे नहीं लगता कि जो आउटकम अमेरिका चाहता है या जो आउटकम दुनिया चाहती है वो आउटकम हासिल हो पाएगा। 3 सितंबर को उत्तर कोरिया से आई इन्हीं तस्वीरों ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। उत्तर कोरिया ने 3 सितंबर को अपना छठा और अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण कर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज किया था और किम जोंग उन को जवाब देते हुए अमेरिका ने यूएन का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यूएन का फैसला आने से पहले ही किम जोंग उन की तरफ से ट्रंप के नाम धमकी आ चुकी है। किम ने साफ कह दिया है कि अगर प्रतिबंध लगे तो फिर अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, किम ने ये तो साफ कर दिया है कि अगर प्रतिबंध लगा तो अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा, लेकिन अब क्या, जब अमेरिका की कोशिशों से यूएन ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, बैन भी लग चुका है, तो क्या अब किम जोंग की तिलमिलाहट और उसकी छटपटाहट से दुनिया कोई बड़ा विनाश देखेगी? क्या अमेरिका झेलेगा कोई बड़ा दर्द और दुनिया में फिर से क्या कोई तबाही मचेगी? जिसका डर था वो ही हुआ। यूएन की कार्रवाई पर तिल मिलाया तानाशाह, अब जंग से बचना नामुमकिन है। तैयार है किम का प्लान कयामत। जी हाँ, जिसका डर था वो ही अब हकीकत बनता जा रहा है। यूएन ने जहां एक मत से उत्तर कोरिया पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए, वहीं उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने प्लान कयामत पर काम करना शुरू कर दिया और इसी प्लान के तहत किम ने घोषित कर दिया है क्वासी स्टेट ऑफ वॉर। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपने देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इसी रेड अलर्ट के साथ जंग के हालात यानी स्टेट ऑफ वॉर नजदीक होने की चेतावनी भी आम लोगों को दे दी गई है। यानी वो हालात जब कभी भी जंग हो सकती है, वो हालात जब उत्तर कोरिया के नागरिकों को जंग के लिए तैयार हो जाने का ऐलान कर दिया जाता है। इस वक्त उत्तर कोरिया रेड अलर्ट पर है। दुनिया जानती है कि उसकी वजह है वो मीटिंग जो ट्रंप के बुलावे पर यूएन में हुई और उत्तर कोरिया की दुकान पर ताला लग गया। किम जोंग उन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर प्रतिबंध लगे तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका उत्तर कोरिया से अपनी रक्षा के लिए उठाए गए वैध कदमों को बहाना बनाकर उसका दम घोटना चाहता है। उत्तर कोरिया की आगामी कार्रवाई से अमेरिका को इतना ज्यादा दर्द और तकलीफ होगी जो इतिहास में उसे कभी नहीं हुई। ये सोमवार को किम की ओर से आई चेतावनी थी और अब उत्तर कोरिया के सेना ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है।
हालांकि उत्तर कोरिया में इस वक्त हालात असामान्य हो चुके हैं। आम लोग डरे सहमे हैं क्योंकि जंग का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब तक उत्तर कोरियाई प्रशासन से आगे कोई निर्देश नहीं मिले हैं। ये उत्तर कोरिया का सुरक्षा प्रणाली का एक लेवल है, का मतलब है जंग के हालात से एकदम दूर। ऐसे हालात में देश के नागरिकों का सतर्क रहना जरूरी है। नागरिकों को जंग के हालात से निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें जंग का सामान इकट्ठा करना, पनाह की जगह तैयार करना शामिल है। उत्तर कोरिया की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने का किम का ये फैसला उस वक्त आया जब यूएन में उत्तर कोरिया के खिलाफ सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतलब साफ है कि किम को भी पता है कि उसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है। ऐसे में किम जोंग उन भी अपने कयामत वाले प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया नया परमाणु मिसाइल टेस्ट कर सकता है। नए वीडियो मैसेज के बल पर किम दुनिया को धमकी दे सकता है। उत्तर कोरिया की सेना दक्षिण कोरिया में किसी भी हमले को अंजाम दे सकती है। किम जोंग आतंकी संगठनों से साठगांठ कर सकता है। डर है कि किम अपने परमाणु हथियार आतंकियों को न सौंप दे। किम जोंग अमेरिका के किसी अधिकारी पर भी छोटा हमला करवा सकता है। किम जोंग चीन के खिलाफ भी अपना रुख बदल सकता है। जिस माफिक की वो भड़काऊ बातें करता है उससे तो साफ तौर पर लगता है कि वो आधा पागल है और इस माफिक का संकी कभी नहीं सीखेगा, लेकिन इससे बुखलाएगा ज्यादा। वो साफ तौर पे मुझे लगता है इससे और बुखलाएगा। हालांकि किम जोंग उन क्या करेगा ये वो और उसकी टीम ही समझ सकती है, लेकिन विशेषज्ञ ये जानते हैं कि अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों से किम जोंग उन बौखला चुका है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने के लिए किम किसी भी हद को पार कर सकता है। वैसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से तिलमिलाए किम जोंग उन ने अपना बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है। किम जोंग उन हमेशा ही यूएन के प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाकर अपना रास्ता निकाल लेता है। चीन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू होने से बचेगा क्योंकि उत्तर कोरिया का संकट चीन पर असर डालेगा। रूस अमेरिका के बढ़ते रुतबे को देखते हुए उत्तर कोरिया की मदद कर सकता है। उत्तर कोरिया पहले भी प्रतिबंधों का उल्लंघन करता रहा है। 3 महीने में $27 करोड़ का कोयला, लोहा और बाकी सामान अवैध रूप से निर्यात किया है। इसमें पाबंदियां लगाई हैं, बिल्कुल नहीं रोका गया क्योंकि बिल्कुल रोकने से पूरी वहां डिस्टेबिलाईजेशन हो जाएगी और सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और डिस्टेबिलाईजेशन हो जाए तो चाइना और रूस के हित में नहीं, इसलिए उन्होंने वो नहीं लगाने दिए। दुनिया जानती है कि किम जोंग उन एक ऐसा शख्स है जो किसी की नहीं सुनता। हालत यह है कि अब उसके पड़ोस में बैठा रूस भी अंदर अंदर डर रहा है, और शायद यही वजह है कि पुतिन ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उत्तर कोरिया पर हमले की सोच छोड़कर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाले। चीन भी इस बात से दहशत में है कि यदि नादानी में इस बेलगाम तानाशाह ने गलत फैसला लेकर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया तो दुनिया कहां जाएगी। उत्तर कोरिया के एक तरफ चीन और दूसरी तरफ रूस है, बीच में यूक्रेन भी पड़ता है। मतलब साफ है कि अगर किम जोंग पर सनक भारी पड़ी तो दुनिया तबाह हो जाएगी और इसका अंजाम हर देश को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया में अपने न्यूक्लियर पावर की धौंस दिखाने वाला संकी तानाशाह किम जोंग उन इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी नए प्लान की तैयारी में है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो वो से डराती नहीं, जिससे वो डरता नहीं और रोज नए पैंतरे अपनाता है। प्लान ऐसा बनाना चाहता है जिससे अमेरिका में तबाही मचे और दुनिया विनाश के मुहाने तक पहुंचे। देखिए उसका क्या है सीक्रेट। विश्व शांति के लिए खतरा बने उत्तर कोरिया पर पूरी दुनिया ने बंदिशें लगाई हैं। यूएन के तमाम सैंक्शंस के बावजूद किम जोंग उन ने दुनिया से लड़ने के लिए ताकत झोंक दी है। अपनी मिसाइलों से दुनिया के सामने धौंस जमाने वाला किम जोंग हर महीने दुनिया को डराने के लिए मिसाइल का प्रक्षेपण करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किम जोंग उन के पास पैसे कहां से आते हैं?
इस तानाशाह के पास आखिर ऐसा कौन सा बैंक चेक है जिसके दम पर वो दुनिया को चैलेंज करता है? तमाम रुकावटों के बाद भी आखिर किम जोंग उन के हाथ कभी खाली क्यों नहीं होते? इस सवाल का जवाब है रूम नंबर 39। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हर साल कम से कम $1 अरब के अवैध हथियार बेचता है। इस तानाशाह ने अपने मुल्क की राजधानी प्योंगयांग के बीच एक टॉप सीक्रेट रूम 39 बना रखा है। इस तहखाने जैसे भंडार में अकूत दौलत जमा कर रखी है। इस दौलत का इस्तेमाल ये तानाशाह नई मिसाइल बनाने की अपनी सनक पूरी करने के लिए करता है। वो नए और भयंकर परमाणु हथियार बनाकर विनाश का खतरा भी पैदा कर रहा है। रूम नंबर 39, ऑफिस 39, डिवीजन 39 के नाम से भी जाना जाता है। रूम नंबर 39 कोरियन वर्कर पार्टी का आधिकारिक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट आम अधिकारियों की पहुंच से दूर है। इस रूम में कानूनी और गैर कानूनी दोनों काम होते हैं। किम जोंग के दुनिया में कई अवैध बिजनेस चल रहे हैं। इन अवैध बिजनेस में एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप शामिल हैं।